क्लासेस में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एल्कीन और एल्काइंस का ऑक्सीडेशन देखेंगे, जिसके कुछ रूल्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। तो रूल्स देखते हैं। नंबर वन, अगर डबल बॉन्ड CH2 हुआ तो डबल बॉन्ड CH2 के ऑक्सीडेशन से CO2 बनता है। अगर डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है तो वो CH ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो हम देख सकते हैं कीटोन बन जाएगा, और जो एल्काइल ग्रुप है वो एज इट इज रहेंगे। इसमें ये एल्काइल ग्रुप एज इट इज रहा, इसमें भी एल्काइल ग्रुप एज इट इज रहा, और इसमें भी एल्काइल ग्रुप एज इट इज रहा। अब हम चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ट्रिपल बॉन्ड CH का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी CO2 बनेगी, और ट्रिपल बॉन्ड C का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम फिर से देख सकते हैं C एसिड में बदल जाएगा और जो R ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा। तो हमने यहाँ पर रूल नंबर 5 देखे। रूल नंबर 5 का मतलब है फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल और फिफ्थ रूल। नाउ वी अप्लाइड दीज रूल्स इन कंपाउंड। तो हमने देखा फर्स्ट कंपाउंड, हमने इसको डबल बॉन्ड के बीच में से तोड़ा और इस CH2 के ऊपर एक रूल लगाया। कौन सा लगा? रूल नंबर 1। क्या बन गया? CO2। फिर इसके ऊपर रूल लगाया, रूल नंबर 1 CO2। तो दोनों साइड से बच्चों क्या बना? हमें मिला CO2। ओके, नाउ वी डिस्कस सेकेंड एग्जाम्पल। हमने देखा इस वाले कार्बन पर रूल नंबर 2 लगेगा, और रूल नंबर 2 से आप इधर साइड में देख सकते हैं एसिड बन जाएगा। तो ये CH एसिड में कन्वर्ट हो गया, और इस वाले CH2 के ऊपर रूल नंबर 1 लगेगा, और रूल नंबर 1 से क्या बना? CO2 बन गया। अब हम इसको इस एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। हमने फिर देखा यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 2, मतलब CH होगा डबल बॉन्ड से ये, तो रूल नंबर 2, और इस पर भी क्या लगेगा? रूल नंबर 2। बीच में से टूट जाएगा और टूट कर दोनों तरफ से एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमने देखा इस पे कौन सा रूल लगेगा, 1, और 1 से क्या बन जाएगी? CO2। अब इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? एक भी नहीं, तो कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस पे बच्चों कौन सा रूल लगेगा? इस पे लगेगा रूल नंबर 3, ये रहा, और इस पर कौन सा लगेगा? रूल नंबर 3। तो देखो दोनों तरफ से ही कीटोन बन गई, तो इधर से भी कीटोन और इस साइड से भी कीटोन। तो हमने क्या सीखा? CH2 हो तो CO2 बना दो, CH हो तो एसिड बना दो, और डबल बॉन्ड C हो तो CO कीटोन बना दो, ट्रिपल बॉन्ड CH हो तो CO2 बना दो, और ट्रिपल बॉन्ड C हो तो एसिड बना दो। हम डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम आ गए बेंजीन रिंग में, और हमने बेंजीन रिंग में क्या देखा कि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि ये CH है, CH है तो रूल नंबर 2, और ये भी क्या है? CH, तो रूल नंबर 2। बीच में से कंपाउंड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया ब्रेक, तो आप बच्चों देख सकते हो दोनों से क्या बन गया, ऊपर से भी एसिड बन गया और इधर से भी क्या बन गया? एसिड बन गया। अब हम इसको इसमें अप्लाइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो जगह से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह रूल नंबर 2 बनेगा। तो देखो इधर से क्या बन जाएगा? CH2, CH से बन जाएगा एसिड, और इस CH से बन जाएगा एसिड, और बिल्कुल सेम इधर से भी होगा। तो दोनों तरफ से बच्चों क्या बन गया? दोनों तरफ से बन गया मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मेलोनिक एसिड का डिहाइड्रेशन कर दें तो हमको कार्बन सब ऑक्साइड मिलता है, या इसको मेलोनिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, और इसके सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन SP होती है। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल चेन ऑन बेंजीन रिंग। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जो अल्फा कार्बन होगा या बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा
वो हमेशा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इस रूल को अप्लाइड करेंगे। तो हम देखते हैं, तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और वो कार्बन ऑक्सीडेशन करने पर हमेशा एसिड में बदल जाता है। तो बच्चों क्या देखा कि ये CH3 किस में बदल जाएगा, एसिड। अब इसमें क्या होगा, इस बेंजीन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन एसिड में बदल जाएगा, बाकी सारे ग्रुप CO2 बन के उड़ जाएंगे। इसका क्या, तो ये वाला CH एसिड में बदल जाएगा, बाकी सारे कार्बन का मतलब इसमें ये वाला कार्बन CO2 में बदल जाएगा, इसमें ये दोनों कार्बन CO2 में बदल जाएंगे। अब हमने इस स्टायरीन का ऑक्सीडेशन किया, तो स्टायरीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये वाला कार्बन किस में बदल जाएगा, एसिड। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये वाला कार्बन तो किस में बदल गया, एसिड में, और बाकी सारे कार्बन CO2 बन के उड़ जाएंगे। अब हम एल्डिहाइड में आए, तो एल्डिहाइड से ये कार्बन जो है रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, अगर हाइड्रोजन है उसके पास, तो क्या बन जाएगा, एसिड। ठीक है, और हमने देखा इससे भी ऑक्सीडेशन करने पर हमको बन जाएगा एसिड। हम इस कंसेप्ट को नए एग्जाम्पल में अप्लाइड करते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और आते भी। तो हम इसको अप्लाइड करते हैं इस एग्जाम्पल में, हमने ले लिया ये ऑर्थोजाइलिन और ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीडेशन करा KMnO4 से। हम जानते हैं कि रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन एसिड में बदल जाता है, तो ये भी कौन सा बन जाए, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल की ये अलग है, इसमें रिंग टूटेगी नहीं और रिंग टूटेगी नहीं, तो दोनों तरफ से बन जाए और हमें मिल जाएगा क्या, फैलिक एसिड। और उस फैलिक एसिड का यूज क्या है, उस फैलिक एसिड को हम ग्लिप्टल पॉलीमर बनाने में काम करेंगे। ओके, अब हम आते हैं फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है हमारा पैराजाइलिन, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन एसिड में कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही मिथाइल ग्रुप एसिड में बदल, और KMnO4 का एल्कीन और अल्काइल चेन के साथ में ऑक्सीडेशन फिनिश हो गया। मैं संदीप शर्मा यूट्यूब क्लासेस में आपके लिए लाऊंगा नए नए एकदम ढक्कन कंसेप्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, और फोर के साथ में ऑक्सीडेशन KMnO4 का हमने एल्कीन और अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन लास्ट क्लास में देखा था, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा इस एल्केन में प्राइमरी हाइड्रोजन है, और प्राइमरी हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है, मतलब वो जाकर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब इस प्राइमरी अल्कोहल के पास में दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ऑक्सीडेशन होगा। बच्चों अल्फा हाइड्रोजन जरूर याद रखना, अगर हाइड्रोजन नहीं हुआ अल्फा हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये दोनों HO के साथ मिलकर H2O बना दिया और बन गया एल्डिहाइड। फिर हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो ये ऑक्सीजन जाकर इससे अटैच हो गया, या इसने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके OH बना लिया और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो हमने बच्चों क्या सीखा, हमने सीखा कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड फिर एसिड बनेगा, और ये 12th के बच्चों के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की तरफ, पर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा पॉप ऑफ रूल। अब देखते हैं पॉप ऑफ रूल क्या कहता है। पॉप ऑफ रूल कहता है कीटोन का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज क्रोमिक एसिड ले लें तो हो जाता है। और ऑक्सीडेशन कैसे होता है कि जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे मिथाइल दोनों ही सेम है, तो मिथाइल दोनों सेम है तो ये मिथाइल और CO मिल गए, कितने कार्बन हो गए, दो, तो दो कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। अब देखा हमने दूसरी साइड में बचा कितना, एक ही कार्बन। कुछ बच्चे फिर वापस जोड़ लेते हैं जो गलत है, ये इसके साथ जाकर एसिड बन गया, अब ये एक कार्बन बचा तो एक कार्बन से एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। सीक्वेंस कैसे, ऊपर से पहले अल्कोहल फिर एल्डिहाइड फिर एसिड। अब हम पॉप ऑफ रूल के थोड़े से टफ एग्जाम्पल में चलते हैं।
हमने देखा फिर से कीटोन के ऑक्सीडेशन में अब मिथाइल ग्रुप छोटा है, इथाइल ग्रुप बड़ा है, तो ये सी ओ और ये सी एच थ्री मिले और एसिटिक एसिड बना दिया, मीन्स दो कार्बन वाला एसिड। अब देखो बचे कितने कार्बन, टू, तो टू कार्बन वाले, टू कार्बन से कौन सा एसिड बन सकता है, एसिटिक एसिड, तो दोनों तरफ से ही हमें एसिटिक एसिड। अब हम फिर आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, अब दो फिर से दोनों ग्रुप सेम है, तो ये सी टू एच फाइव और सी ओ मिल गए तो कितने कार्बन हो गए बच्चों, तीन, तो एसिड कौन सा बनेगा, तीन कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड। अब बचे कितने, इसमें बचे हमारे पास दो कार्बन, तो दो कार्बन से कितने कार्बन वाला एसिड बनेगा, दो वाला। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप प्रोपाइल से छोटा है, तो सी एच थ्री और सी ओ ने मिलकर एसिटिक एसिड बना दिया क्योंकि दो कार्बन है ना। अब कितने कार्बन बचे बच्चों, तीन, तो तीन कार्बन वाले एसिड से तीन कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप से तीन कार्बन वाला एसिड प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि कार्बोनिल ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा जो छोटा है और दोनों साइड से एसिड मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसके पास में ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है और सेकेंडरी हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के पास में ये अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एच और ये एच मिलकर एच टू बना देंगे और सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे हमें कीटोन मिलेगा, पर कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मली होता नहीं है तो हमने इस पर पॉप ऑफ रूल लगा दिया। हमने देखा दोनों तरफ ही कार्बन सेम है इसलिए इस सी एच थ्री को हम ले गए और हमने इस सी एच थ्री को सी ओ के साथ में बंद कर लिया, दोनों को मिलाकर दो कार्बन हो गए तो वन मोल एसिटिक एसिड बन गया। अब आप देख सकते हैं दूसरी साइड में कितने में एल्काइल ग्रुप रह गए, एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप से जो एसिड बनेगा वो सब बच्चे जानते हैं, एक कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। अब हम चलते हैं टर्शियरी अल्कोहल की तरफ, ये टर्शियरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल के इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसलिए टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये OH और ये बीटा हाइड्रोजन आपस में मिलकर एलिमिनेट हो जाएंगे और इस कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जब भी टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे पहले एलिमिनेशन होगा, मतलब टर्शियरी का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन या हीटिंग से हमें मिला एल्कीन। अब हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में रूल देखा था, रूल नंबर वन, CH2 के ऑक्सीडेशन से हमेशा CO2 बनती है और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो कीटोन बन जाती। तो हमने देखा यहाँ से हमको मिल गई क्या, कीटोन। अब कीटोन पे फिर से पॉप ऑफ रूल लगा दिया तो हमने देखा कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है तो इस CH3 और इस CO को हमने बाउंड कर दिया, बंद कर लिया, दो कार्बन वाले से हमने बना दिया एसिटिक एसिड और उधर बच गया कितने कार्बन, उधर बच गया एक कार्बन, तो एक कार्बन से हमें मिला फॉर्मिक एसिड। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है और अगर टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम हीट करें तो पहले एल्कीन, फिर कीटोन और फिर एसिटिक एसिड। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि प्राइमरी अल्कोहल से एसिड जब बनता है तो कार्बन की नंबर सेम रहती है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल से जब एसिड बनता है तो आप देख सकते हैं एक बड़े एक कार्बन कम हो जाता है। तो अगर वो क्वेश्चन पुटअप करे कि अल्कोहल से एसिड बनाया कार्बन की नंबर वन कम हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और हमने यहाँ इस अल्कोहल में देखा, इस टर्शियरी अल्कोहल में चार कार्बन है और एसिड में दो ही कार्बन है, इसका मतलब टर्शियरी अल्कोहल से जो एसिड बनेगा उसमें कार्बन की नंबर दो कम हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन आएगा कौन सा अल्कोहल KMnO4 के कलर को चेंज नहीं करेगा, तो टर्शियरी अल्कोहल नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और टर्शियरी अल्कोहल का एलिमिनेशन हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट आगे अप्लाइड करने,
तो हमने फिर से देखा, हमने जब टर्शियरी अल्कोहल को हीट किया तो इससे एल्कीन बन गई, और एल्कीन पे हमने एल्कीन के ऑक्सीडेशन के रूल लगाए, एल्कीन के ऑक्सीडेशन के रूल लगाए तो इससे कीटोन बन गई, और कीटोन पे पॉप ऑफ रूल लगा दिया, पॉप ऑफ रूल लगा दिया तो हमको एक दो कार्बन वाला एसिड और एक कार्बन वाला एसिड बन गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि किस ऑक्सीडेशन, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कितने कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं, हम देख सकते हैं हमारे सामने लिखा हुआ है, एक कार्बन डिक्रीज हो जाता है तो अल्कोहल कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, अगर दो कम हो जाए तो फिर टर्शियरी अल्कोहल। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, और जिसको हम कहते हैं कॉपर के साथ, पर कॉपर के साथ में जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो बुक्स में लिखा हुआ है डीहाइड्रोजनेशन, इसका मींस है इसमें हाइड्रोजन जाएंगे दोनों। तो अब हमें, हमने पिछले क्या सीखा कि प्राइमरी से पहले एल्डिहाइड फिर एसिड, सेकेंडरी से पहले कीटोन और फिर पॉप ऑफ रूल, टर्शरी से पहले एल्कीन बनेगी। तो अब कॉपर क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही ले जाता है, मतलब एसिड नहीं बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन ही बन सकती है, एसिड नहीं बनेगा, और टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन बनेगी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्वेल्थ के बच्चों को 100% ये आना ही चाहिए, और कॉम्पिटिटिव वालों के लिए तो ज़रूरी है ही है। तो प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और टर्शरी को एल्कीन में कन्वर्ट कर लो, और आपको ये याद करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे आपको ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा। तो प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, और टर्शरी से हम बनाएंगे क्या, टर्शरी से हम बनाएंगे क्या बच्चों, टर्शरी से हम बनाएंगे एल्कीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है पीसीसी। पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पीसीसी, पिरिडीन CrO3 HCl, और दूसरा रिजेंट है कॉलेंस रिजेंट। कॉलेंस रिजेंट क्या होता है, CrO3 को जब हम पिरिडीन के साथ मिला लेते हैं तो हमें कॉलेंस रिजेंट मिल जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों, और तीसरा रिजेंट है जॉन्स रिजेंट। जॉन्स रिजेंट क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में एसीटोन की प्रेजेंस में डिसॉल्व करते हैं। इसका अल्टरनेट क्या होता है कि अगर हम इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर लें, ठीक है ना, तो इसको फिर तो भी यूज कर सकते हैं, मतलब CrO3 की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लेते हैं। अब एक फोर्थ रिजेंट और है, सारेट ऑक्सीडेशन मोर और लेस जॉन्स जैसे ही है, ठीक है ना। अब ये सारे क्या करते हैं, ध्यान से देखना, पीसीसी क्या करता है, प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना, सेकेंडरी को कीटोन में है, और टर्शरी का ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉलेंस रिजेंट की तरफ। कॉलेंस भी सेम काम करता है, प्राइमरी को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, और टर्शरी का कुछ नहीं। जॉन्स रिजेंट प्राइमरी को एल्डिहाइड में, और कभी कभी एल्डिहाइड को एसिड में भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, टर्शरी का कुछ नहीं। और सारेट भी सेम काम करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन, और टर्शरी का कुछ नहीं। और ये तीनों ही, चारों रिजेंट जो हमारे सामने अभी हैं, ये चारों ही रिजेंट डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, चारों के चारों रिजेंट। कौन कौन से, पीसीसी, कॉलेंस, जॉन्स एंड सारेट रिजेंट, नाउ बी अप्लाइड इन एग्जाम्पल। अब हम इन कंसेप्ट को एग्जाम्पल में लगा देंगे। तो हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल का अगर पीसीसी करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी से करेंगे तो कीटोन बन जाएगा, टर्शरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, और पीसी से कभी एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि हम इस रिएक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट पर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, बनते ही वेपराइज हो जाएगा और आगे ऑक्सीडेशन से बच जाएगा, मतलब एसिड नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं इसी एग्जाम्पल को आगे डिस्कस करने के लिए। ओम
आज हम YouTube चैनल में फिर से डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का थर्ड वीडियो है। पहला वीडियो हमने एल्कीन का KMnO4 से किया था और एल्काइल का KMnO4 से। सेकंड में हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था KMnO4 से, PCC से, जॉन्स से, कॉलेंस से और सारे ट्रीजेंट से। इस यूट्यूब में हम डिस्कस करेंगे टॉलेंस, फैलिंग्स और वेनेडिक्ट। तो हम देखते हैं ये क्या करते हैं। टॉलेंस रिजेंट होता क्या, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजेंट है, ट्वेल्थ में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। टॉलेंस रिजेंट बनाने के लिए हम AgNO3 में NH4OH मिला देते हैं। दोनों को मिलाने से ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो टूटकर Ag2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो टॉलेंस की एक्टिव स्पीसीज Ag2O होती है या सिल्वर ऑक्साइड। अब चलते हैं फैलिंग की तरफ। फैलिंग बनाने के लिए हमें फैलिंग ए और फैलिंग बी लेना पड़ता है। फैलिंग ए में कॉपर सल्फेट NaOH होता है, फैलिंग बी में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। क्योंकि फैलिंग्स रीजन अनस्टेबल होता है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है इन दोनों ए और बी को मिक्स करते हैं। दोनों को मिक्स करने से हमें एक्टिव स्पीसीज मिलती है CuO, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, बेनेडिक्ट भी मोर और लेस सेम है। इसमें कॉपर सल्फेट लेते हैं प्लस Na2CO3। तो मेक करेक्शन, यहाँ पर आप करेक्शन कर लें, Na2CO3 हम यहाँ पर यूज करेंगे और टार्ट्रेट की जगह पर हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सिट्रेट यूज करते हैं, मतलब सिट्रिक एसिड। इसकी भी एक्टिव स्पीसीज क्यूप्रिक ऑक्साइड ही होती है। तो मतलब फैलिंग्स और बेनेडिक्ट मोर और लेस ये है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फैलिंग ए और फैलिंग बी में क्या होता है। अब ये करते क्या है, टॉलेंस रिजेंट क्या करता है, इस एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देता है और फैलिंग भी इस एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जब टॉलेंस रिएक्ट करता है तो Ag का सिल्वर प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर सिल्वर कलर आ जाता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। जबकि फैलिंग्स के साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट आता है और इस रिएक्शन में एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। या आप याद कर सकते हैं एल्डिहाइड H2S और SNCl2 एवर ग्रीन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जब भी एल्डिहाइड पूछे तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, एल्डिहाइड इज ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हम टॉलेंस को आगे डिस्कस करते हैं। टॉलेंस रिजेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके सामने है। टॉलेंस रिजेंट कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब अगर डबल बॉन्ड हुआ तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। टॉलेंट टेस्ट देता कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देते हैं, सारे मोनोसैक्राइड डाइसैक्राइड ये टेस्ट देते हैं, सिर्फ तीन को छोड़कर। और वो कौन कौन होते हैं, सुक्रोज स्टार्च और सेलुलोज, मतलब SSC स्टार्च सुक्रोज सेलुलोज कभी भी टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। एसिड में सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही टॉलेंट टेस्ट देता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सारे 1-9 भी टॉलेंट टेस्ट देते हैं और सारे हेमी एसिटल भी टॉलेंट टेस्ट देते हैं। और नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोक्सीकिटोन भी ये टेस्ट देते हैं। तो टॉलेंट टेस्ट देखो बच्चों कितने लोगों ने दिया, ये कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट बात है। ट्वेल्थ वालों के लिए फर्स्ट दो ही इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए सारे याद होने चाहिए। तो बच्चों देखो कितनों ने टॉलेंट टेस्ट दिया, 6 लोगों ने टॉलेंट टेस्ट दिया। और टॉलेंस टेस्ट में डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर सीखा कौन कौन से लोग टॉलेंट टेस्ट देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने देखा जब हमने इसकी रिएक्शन करी तो रिएक्शन में क्या हुआ, देखो हमने टॉलेंस रिजेंट से इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी, तो टॉलेंस रिजेंट ने इस एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एल्डिहाइड से हमेशा एसिड ही बनेगा, ये बात रट लो। और एसिड का आगे ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 ही बनेगा। तो जब टॉलेंस की रिएक्शन करी फॉर्मिक एसिड से तो हमें CO2 और Ag का प्रेसिपिटेट मिल गया, और अगर फैलिंग से करी तो CO2O का प्रेसिपिटेट मिल गया। इसकी रिएक्शन हमने टॉलेंस से करी तो एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में बदल गया। पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात याद कर लो कि कभी भी बेंजल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होती है।
फेलिंग सारे टेस्ट टॉलेंट टेस्ट जैसे देता है सिर्फ, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। जब हमने इस ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलेंस से कराई तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया और इससे बना ग्लूकोनिक एसिड, इसलिए ग्लूकोज टॉलेंट टेस्ट देगा। अब देखो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव के लिए, ये डबल बॉन्ड है तो जब हमने इसकी टॉलेंस से रिएक्शन करी तो टॉलेंस और फेलिंग्स रीजेंट डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते, तो डबल बॉन्ड एज इट इज रह गया और एल्डिहाइड ग्रुप से बच्चों एसिड बन गया। तो इस अनसेचुरेटेड आज हम डिस्कस करेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीडेशन। सेलेनियम डाइऑक्साइड जेई नीट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजेंट है। हम देखते हैं इस रीजेंट में होता क्या। ये रीजेंट तीन काम करता है। तो पहला काम क्या करता है, अगर कार्बोनिल ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप हुआ तो ये उसको मिथाइल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज इट फर्स्ट फंक्शन। अगर कार्बोनिल ग्रुप के बगल में CH3 हुआ तो CHO बन जाएगा, और कार्बोनिल ग्रुप के बगल में अगर CH2 ग्रुप हुआ तो ये उसको बदल देगा कार्बोनिल ग्रुप में, मतलब कीटोन बनाएगा। ठीक है, नाउ अप्लाइड इन कंपाउंड। अब हम इसको कंपाउंड में अप्लाइड करते हैं। हमने देखा हमारे पास एसिटाइल्डिहाइड है और एसिटाइल्डिहाइड में ये CH3 इस कार्बोनिल के बगल में, तो अब बच्चों ये मिथाइल ग्रुप किस में बदल जाएगा। रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये CHO में बदल जाएगा, तो हमने इसको CHO में बदल दिया तो हमें मिला ग्लायोक्साइड। अब हम इसको अप्लाइड करते हैं दूसरे एग्जांपल। ये इस कीटोन है एसीटोन, और ये एसीटोन के दोनों ही साइडों में CH3 है, तो किसी भी एक CH3 को ये क्या करेगा, CHO में बदल देगा। तो हमने इसको दिया और देख कन्वर्ट कर दिया, तो ये CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया। तो हमें इससे क्या मिला, हमें इससे मिला मिथाइल ग्लायोक्साइड। अब हम इसको नेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास कार्बोनिल के बगल में CH3 भी है और CH2 भी है। जब दोनों होंगे तो CH2 पहले ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना, या बीच वाला जल्दी से ऑक्सीडाइज होता है। तो अब क्या होगा, ये वाला CH2 रूल के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने देखा ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और हमको क्या मिला, डाइमिथाइल ग्लायोक्साइड। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि सेलेनियम डाइऑक्साइड एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल के बगल वाले CH3 को एल्डिहाइड ग्रुप में और कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले मिथाइलिन ग्रुप को या CH2 ग्रुप को CO में कन्वर्ट कर देगा। ये सिंपलेस्ट मेथड है, लोग आग इसको समझाते हैं पर वो बहुत टिपिकल मैकेनिज्म के साथ समझाते हैं जो बहुत बाद में काम आती है, पर हमें पहले बेसिक फंक्शन आना चाहिए। हम देखते हैं सेलेनियम ऑक्साइड का नेक्स्ट फंक्शन। सेलेनियम ऑक्साइड का नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि ये एलाइल कार्बन और बेंजाइल कार्बन के H को हटाकर OH लगा देता है। अब कुछ बच्चों को एलाइल और बेंजाइल में प्रॉब्लम होगी, तो देखो डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है उसको हम एलाइल कार्बन कहते हैं, मतलब एल्कीन में जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होगा इसको छोड़ दिया, ये वाला कार्बन कौन सा हुआ, एलाइल कार्बन, ठीक है ना। और बेंजीन के बगल में जो कार्बन लगा होता है उसको हम बेंजाइल कार्बन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, एलाइल कार्बन और बेंजाइल कार्बन। अब सेलेनियम डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या, ये एलाइल कार्बन के कार्बन पर एच को हटाकर OH लगा देता है। तो इसने क्या किया, एक एच हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, OH। अब देखते हैं बेंजाइल में क्या किया, बेंजाइल में उसने क्या किया, एक एच हटाया और एक एच हटाकर क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो इसने एलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल बना दिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन नंबर 3। ये हमारी एल्काइन्स है।
अब ये एल्काइंस में क्या करता है, ये एल्काइंस में क्या करता है, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेगा और दो बॉन्डों दो पाई बॉन्डों को तोड़कर दोनों पर कार्बोनिल ग्रुप बना देगा या ओ लगा देगा। तो हमने देखा इसने इसको सीओ बना दिया और ये सीएचओ बन गया, तो हमारा क्या बना, मिथाइल ग्लाइऑक्सिल। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के तीन फंक्शन, कार्बोनिल के बगल वाले CH3 को एल्डिहाइड में, कार्बोनिल के बगल वाले CH2 को कीटोन ग्रुप में, एलाइल और बेंजाइल कार्बन पर OH लगा देता है और एल्काइंस को डाइऑन में कन्वर्ट कर देता है। एल्काइन आज हम YouTube चैनल में ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसिटेट डिस्कस करेंगे। जब हम HIO4 या लेड टेट्रा एसिटेट से ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये सिर्फ किसका ऑक्सीडेशन करता है, ये सिर्फ ग्लाइकॉल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करता है। ये ग्लाइकॉल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। अब कुछ बच्चों को ग्लाइकॉल में प्रॉब्लम होती है तो हम देखते हैं इस कंपाउंड को। इसमें देखो दो OH हैं लेकिन दोनों OH एडजेसेंट नहीं है, दोनों OH एडजेसेंट नहीं है इसलिए ये ग्लाइकॉल नहीं है, जबकि इसमें दोनों OH एडजेसेंट है इसलिए ग्लाइकॉल है। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि ग्लाइकॉल और डायोल में क्या फ़र्क होता है। डायोल में दो OH होते हैं लेकिन वो पास पास भी हो सकते हैं और एडजेसेंट से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन ग्लाइकॉल में हमेशा OH एडजेसेंट होंगे। मतलब ये ग्लाइकॉल और डायोल दोनों हैं लेकिन ये सिर्फ डायोल है, ठीक है। अब कभी कभी कॉम तो हमने यहाँ पे सीख लिया पराआयोडिक एसिड इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। अब कभी कभी आ जाता है क्या इसका भी करेगा, हाँ ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए इसका भी करेगा, क्योंकि जब ये या ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कीटोन बन जाएगा और ये सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा। क्या इसका भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि इस वाले अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी कीटोन बन जाएगा। तो ये तीनों ही पर आयोडिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि पराआयोडिक एसिड ग्लाइकॉल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करता है। ग्लाइकॉल का मतलब होता है दो OH एडजेसेंट होने चाहिए और ये डायोल का नहीं होगा। हम चलते हैं इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमको आने ही चाहिए। तो हम सबसे पहले टर्मिनल OH के रूल पढ़ेंगे। टर्मिनल OH पे इतनी चार ये तीन कंडीशन पॉसिबल है, तीन या चार जो भी है वो कंडीशन पॉसिबल है। और ये कंडीशन क्या है हम देख लेते हैं कि अगर टर्मिनल पे प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप हुआ, अगर टर्मिनल पे प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप हुआ तो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है और इससे बना क्या, फॉर्मल्डिहाइड। अगर टर्मिनल पे सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर टर्मिनल पे टर्सरी अल्कोहल ग्रुप हुआ तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बन जाएगा, लेकिन अगर टर्मिनल पे एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो वो सीधा फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम याद रखेंगे टर्मिनल पे OH अगर प्राइमरी हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी हुआ तो एल्डिहाइड खाली, और टर्सरी हुआ तो कीटोन बन जाएगी और एल्डिहाइड हुआ तो सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब हम चलते हैं बीच वाले अगर OH हुए तो, अगर बीच में हुए तो देखो क्या होगा। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप हुआ तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और अगर बीच में कीटोन हुई तो कीटोन कन्वर्ट हो जाएगी CO2 में, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप हुआ तो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। तो हमने बच्चों क्या सीखा कि अगर बीच में सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और अगर कीटोन हुई तो CO2 बन जाएगी। हम डिस्कस करते हैं उसके रूल्स को एग्जांपल। हमने यहाँ पर देखा हमारे पास सिंपल ग्लाइकॉल है और दो ही OH है, जब दो OH होंगे तो सिर्फ टर्मिनल ही होंगे, इंटरमीडिएट नहीं होगा। अब ये दोनों अल्कोहल कौन से हैं, प्राइमरी, तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बनता है, हमें सब फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो बच्चों दोनों तरफ से फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब हम चलते हैं इसको नए एग्जाम्पल में ग्लिसरीन में। जब हमने ग्लिसरीन में देखा
ठीक है ना। तो ग्लिसरीन में क्या हुआ कि दो तो टर्मिनल ग्रुप हैं, कौन कौन से, एक ये और एक ये, और ये वाला इंटरमीडिएट। तो हमें देख रहा है इंटरमीडिएट कौन सा है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और जो दोनों टर्मिनल हैं ये और ये प्राइमरी है, इसलिए इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि दोनों ही प्राइमरी है इसलिए 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। हम इसको नए एग्जाम्पल में फिर से अप्लाइड करते हैं। तो हमने देखा फिर से अप्लाइड करने के लिए रूल्स में हमने आपको हाईलाइट किया, ये टर्मिनल OH है और कौन सा है, प्राइमरी। तो इससे क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फिर हमने देखा ये वाला कौन सा, इंटरमीडिएट, और सेकेंडरी है तो इंटरमीडिएट से हमेशा क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड। फिर हमने देखा ये टर्मिनल तो है लेकिन है कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो बच्चों फिर से रूल याद रखो कि अगर टर्मिनल पे सेकेंडरी हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड में ये CH3 एज इट इज रहेगा और जो बाकी ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट होता है। ओके, अब हम इसी एग्जांपल को पहले ग्लूकोज में डिस्कस करते हैं। हमने देखा ग्लूकोज में ये टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है। तो बच्चों याद, रूल फिर से याद रखो, अगर टर्मिनल पे एल्डिहाइड हुआ तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और अगर टर्मिनल पे प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अब बीच में देखो कितने सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप हैं, बच्चों बीच में है 4 सेकेंडरी अल्कोहल, इसलिए कितने एसिड बन जाएंगे, 4 फॉर्मिक एसिड। ओके, अब हम चलते हैं कुछ जेई के एडवांस की लाइक प्रॉब्लम। तो हमने देखा हमारे पास फिर से एक ग्लाइकोल है क्योंकि दोनों OH पड़ोस पड़ोस में, और ये OH और ये OH दोनों ही सेकेंडरी है क्योंकि ये कार्बन 2 से अटैच। अब सेकेंडरी से क्या बनता है, रूल याद रखें, तो सेकेंडरी से बनता है एल्डिहाइड। तो दोनों ही कार्बन किस में कन्वर्ट हो गए, दोनों ही कार्बन CHO में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात, एक HIO4 एक ही ग्लाइकोल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड थे, 5, तो 5 मोल्स HIO4 यूज होगा। अब हम चलते हैं एक नए एग्जाम्पल की तरफ। हमने देखा ये वाला अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सिंपल CHO लग जाता है और पीछे जो भी कार्बन रिंग्स चेन जो भी जुड़ी है एज इट इज। लेकिन ये वाला अगर हम अल्कोहल देखें, ये है तो टर्मिनल लेकिन कौन सा है, टर्सरी। तो टर्सरी से बच्चों क्या बनेगा, टर्सरी से बनती है कीटोन। तो ये वाला पोर्शन इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल। हमने HIO4 के रूल्स को फिर से लगा दिया। अब देखो ये टर्मिनल OH है और ये भी टर्मिनल OH है, और ये इंटरमीडिएट पे हमने रूल्स पढ़ा था कि अगर इंटरमीडिएट पे कीटोन ग्रुप हो तो क्या बनता है। तो इंटरमीडिएट पे अगर कीटोन ग्रुप हो तो CO2 बन जाती। तो देखो CO2 क्लियर। अब हमने देखा कि ये वाला जो ग्रुप है वो सेकेंडरी था और ये भी सेकेंडरी था, तो सेकेंडरी से बच्चों क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड। अब हम इसको देखते हैं फिर से नेक्स्ट एग्जांपल। हमने देखा इसमें दो OH हैं लेकिन ग्लाइकोल नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन HIO4 और लेड टेट्रा एसिटेट से नहीं होगा। तो बच्चों हमने फाइनली क्या सीखा,
कि पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसिटेट ग्लाइकोल बॉन्ड का ब्रेक कर देता है। ग्लाइकोल बॉन्ड उसको कहते हैं जिसमें दो तीन चार लगातार OH हो, गैप नहीं होना चाहिए कार्बन का। रूल्स ये है कि प्राइमरी हुआ तो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी हुआ तो एल्डिहाइड, टर्सरी हुआ तो कीटोन, और अगर टर्मिनल पे एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो फॉर्मिक एसिड, और इंटरमीडिएट पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो सारे फॉर्मिक एसिड और कीटोन हुई तो CO2। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ